वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड गोल्स। इस वीडियो में हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके इनिशिएटिव्स ग्लोबली कौन कौन से इनिशिएटिव्स अभी तक आए हैं, उनकी टाइमलाइन को समझेंगे और फिर फाइनली कहाँ से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अराइव हुए, किस तरीके से ये 17 गोल्स हैं और क्या क्या इनका कॉन्टेक्स्ट है उसको डिटेल में समझते हुए एक एक एग्जाम्पल के साथ सबको कंक्लूड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको अगर कहीं कहीं पर भी आपको ये लिखने में आता है, मेंस के एग्जाम में भी, यूपीएससी के काफी बार ये क्वेश्चन आता है, तो किस तरीके से आपको कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करते हुए आगे बढ़ना है उसको मैं आपको डिटेल में इसमें बताऊंगी। इसमें आपने तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे ध्यान रखना है, जो है डेवलपमेंट, जो कि नीड को मीट करेगा प्रेजेंट की और साथ ही फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को लीव करेगा, सो दैट हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उनके पास रिसोर्सेज की स्कैसिटी ना हो। ये है इसका बेसिक पर्पस कि हम प्रेजेंट का ध्यान रखते हुए फ्यूचर को भी हम आगे लेते हुए अपने रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करेंगे। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट कोर एलिमेंट्स हैं, एक है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इसके, आपको ये बाय हार्ट होने चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, सोशल इंक्लूजन पे फोकस करना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना है। अब क्यों इसकी नीड आई, क्यों हमें जरूरत महसूस हुई कि हमें इस तरीके का एक टर्म लेके आना है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका रीजन मेनली, इसके तीन मोटे मोटे रीजंस हैं। एक है ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का, बहुत ही अनलिमिटेड तरीके से, बहुत ही इनफाइनाइट यूज में इनका रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन हो रहा था जो कि एक्सेस था। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो स्कैसिटी भी हो रही है रिसोर्सेस की, क्योंकि रिसोर्सेस तो लिमिटेड है और पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेटिव रेट से बढ़ रही है। अब आया तीसरा रीजन जो है क्लाइमेट चेंज, जो कि सभी को पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सी लेवल्स राइज कर रहे हैं, अन इवन फिनोमिना हमें देखने को मिल रहे हैं, तो मेजरली ये तीन रीजंस हैं। अब बढ़ते हैं हम ग्लोबल इनिशिएटिव्स की तरफ, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पास्ट में और उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कहाँ से आई। तो सबसे पहले हुई स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि 1972 में हुई, इसका रिजल्ट था एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जिसने कि प्रिंसिपल्स दिए, एक्शन प्लान दिए, रिकमेंडेशंस दिए एनवायरमेंटल पॉलिसी पे। तो ये सबसे पहला पहला स्टेप लिया गया था। उसके बाद आया, जैसे ये आप इसमें भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, डिटेल में अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, आई विल शेयर द कंटेंट ऑन दैट। फिर आया यूएनईपी जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, 1972 में ये भी आया। ये कैटलिस्ट बना डेवलप और कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनवायरमेंटल वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक कोऑर्डिनेटेड प्लेटफॉर्म मिला यूएनईपी के थ्रू। फिर आया अर्थ समिट जो कि फिर से 1972 में हुआ, इसके 20 साल बाद। उसमें इसका जो इम्पोर्टेंट रीजन था इस समिट का वो थी एक कमीशन की रिपोर्ट, इसको रियो डी जेनेरियो में होल्ड किया गया था और इसका जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट था वो था एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट ऑन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम यूएनएफसीसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहीं पे भी आपके एग्जाम में, क्योंकि एजेंडा 21 तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि एजेंडा 21 क्या चीज है, कहाँ से आया, किस तरीके से डिराइव हुआ। तो अर्थ समिट का ये 5 पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिए इस पे। एजेंडा 21 है, रियो डिक्लेरेशन है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स हैं, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। फिर आई क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसमें से देख सकते हैं। रियो प्लस 10 2002, ये था अर्थ समिट के कॉन्सिक्वेंस में, जब 10 साल हो गए थे इस समिट को, तो उसके बाद अर्थ समिट के 10 साल के बाद जोहानिसबर्ग में इसको कंक्लूड किया गया था, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होल्ड किया गया था। फिर आया आपका रामसर का कन्वेंशन 1971, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आया वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो भी हेरिटेज साइट्स थी उन पे क्योंकि फोकस करना है, उनकी भी एक यूनिवर्सल वैल्यू है, उसमें फोकस करना है, उसके रिगार्ड में इसको स्टैब्लिश किया गया। फिर आया था साइट्स 1973, साइट्स की डेफिनेशन कई बार आती है, सीएमएस की डेफिनेशन आती है जो कि है कंजर्वेटरी, सॉरी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज ऑन द ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कई बार इनको नंबरिंग करने के लिए भी आता है कि किस ईयर में कौन सा आया था, तो साइट्स आया था पहले 1973 में, 1979 में आया था सीएमएस, फिर आया है वियना कन्वेंशन जो कि था ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन को लेकर के, जो आया था 1985 में। वियना के बाद आई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आई थी 1987 में।
उसके बाद आए हैं बेजल कन्वेंशन नॉर्म्स जो कि 1989 में आए हैं, फिर आया है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। तो इनको तो आपको मेरा आपको ये बताने का पर्पज ये है कि आप इनकी डेट्स ईयर्स को थोड़ा सा याद करने के लिए थोड़ा सा कुछ अपनी टेक्निक्स बना लीजिए। जैसे साइट्स आया पहले, फिर आया CMS, फिर आया ओजोन पे वियना कन्वेंशन, फिर आई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर आया बेजल कन्वेंशन, फिर आया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इनकी चेन जो है, इनकी टाइमलाइन कई बार एग्जाम में मैच करने के लिए आ जाती है, तो थोड़ा सा इसको फोकस करना है। उसके बाद फिर यूनाइटेड कन्वेंशन था डेजर्टिफिकेशन को कम्बैट करने के लिए, फिर रोटरडैम कन्वेंशन आया। रोटरडैम कन्वेंशन का क्यों इंपॉर्टेंस रखा जाता है, बिकॉज ये हैजार्डस केमिकल्स पे कोई नया कन्वेंशन फर्स्ट टाइम आया था, इसको अडॉप्ट किया गया था क्योंकि केमिकल ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ रहा था ड्रास्टिकली, और वल्नरेबिलिटी थी डेवलपिंग कंट्रीज के रिस्पेक्ट में क्योंकि अनकंट्रोल्ड इंपोर्ट्स हो रहे थे। तो इसलिए इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है, बिकॉज इसका एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर इस कन्वेंशन के थ्रू सामने लाया गया, जो कि हैजार्डस केमिकल्स को इंटरनेशनल ट्रेड के रिस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है। फिर आया स्टॉकहोम का कन्वेंशन, जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पे था। ग्लोबल टाइगर फोरम, ग्लोबल टाइगर फोरम जो था ये रिजल्ट था दिल्ली डिक्लेरेशन का, इसको 1993 में दिल्ली में अडॉप्ट किया गया था। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि सर्वाइवल को, जो भी टाइगर्स का सर्वाइवल है उसको सेफगार्ड कैसे करना है, ये उस पर डिस्कशन में हुई थी। फिर आया इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन 1946, मीनामाटा कन्वेंशन। मीनामाटा का जहां भी नाम आता है उसको आप सीधे सीधे मरकरी से लिंक कर दीजिए। मीनामाटा कन्वेंशन का जो वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन था, यूएनईपी ने इसको लीड किया था इस कन्वेंशन को। इसमें मीनामाटा कन्वेंशन जो था ये स्पेसिफिकली से बोला जाता है मर्क्यूरी पे किया गया था। ये ऑब्जेक्टिव था इसका कि ह्यूमन हेल्थ को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है एंथ्रोपोजेनिक एमिशन से जो भी हो रहे हैं, किसके थ्रू, मर्करी और उसके रिलेटेड कंपाउंड से, तो उसके रिगार्ड में ये था। फिर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज आई। कार्बन नाम से आप क्या क्या जोड़ सकते हो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, कार्बन सिंक होता है, कार्बन क्रेडिट होता है, कार्बन ट्रेडिंग होता है, कार्बन ऑफसेटिंग होता है, कार्बन जियो इंजीनियरिंग है। तो इस तरीके से कार्बन नाम से ही कितने सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनका इंडिविजुअली कई बार डिफ्रेंशिएट करने को आ जाता है, तो इसका थोड़ा डिटेल आपको होना चाहिए। देन यूएनईपी का नाम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, CSD है, देन UNCLOS है जिसे अनक्लॉज कहते हैं या यूएन क्लॉज कहते हैं। ये क्या है, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। इसमें एक कन्वेंशन स्टैब्लिश किया गया था, वो मैंने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया है। क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर, ग्रीन क्लाइमेट फंड, अडेप्टेशन फंड, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये सभी भी इंपॉर्टेंट है। देन रेड और रेड प्लस, ये हम ऑलरेडी रेड का तो हम पीछे देख चुके हैं। पेरिस एग्रीमेंट आया था 2015 में, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म स्टैब्लिश हुई, गाक्सा आया, देन पेज आया, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पार्ट, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये फोकस करता है, ग्रीन इकोनॉमी पे फोकस है। फाइनली इसके बाद, इन इनिशिएटिव्स के बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्यों आया, यूएन के द्वारा ये लीड किया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट क्या करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक एजेंडा स्टैब्लिश किया गया था, जिसे बोला गया था 2030 का एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और इससे रिलेटेड गोल्स का। इसके अलाइनमेंट में 17 गोल्स और 169 टारगेट्स को डिफाइन किया गया था, जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं। इन गोल्स को कैसे अलाइन करना है, अकेला कोई इंडिविजुअल या कोई एंटिटी या किसी सरकार पे इसका कोई फोकस नहीं है, ये सबको साथ लेके चलने वाले गोल्स हैं, जो कि तब हम पॉसिबली कर पाएंगे जब सब यूनाइटेडली इस काम को अचीव करेंगे। इसमें गवर्नमेंट्स भी हैं, इसमें बिजनेसेस भी हैं, सिविल सोसाइटीज भी हैं, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिविजुअल्स, एवरीबॉडी हैज टू प्ले अ रोल, तब ताकि हम अचीव कर सकेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंपॉर्टेंट बात इनको नोट करने वाली है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। कई बार इसका काफी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बनता है कि क्या ये, मतलब सस्टेनेबल गोल्स आर लीगल बाइंडिंग, ट्रू और फॉल्स। सो दे आर नॉट लीगल बाइंडिंग, कोई लीगल प्रोसीजर नहीं, अगर आपने ये अचीव नहीं किया, कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई लीगल एक्शन होगा, बट स्टिल इट इज आवर ड्यूटी कि हम, क्योंकि इन एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा पे काम कर रहे हैं जो कि काफी यूनिवर्सल है, और इसका एम है, वो अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं इसके, पॉवर्टी एंड करना, हंगर मिटाना, हेल्थ पे फोकस करना, एजुकेशन पे फोकस करना, इक्वालिटी पे फोकस करना, अच्छे क्लीन वाटर पे फोकस करना, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी पे फोकस करना, अच्छी ग्रोथ पे फोकस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिड्यूस इन इक्वालिटीज, एवरीथिंग जो भी इस एजेंडा में है, हर एक इंपॉर्टेंट है ताकि हम ग्रो कर सके, हमारी कंट्री ग्रो कर सके, ओवरऑल हम यूनिवर्सली भी ग्रो कर सके। सो ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अचीव। अब हम इसको आगे बढ़ें, उससे पहले थोड़ा सा इसका ब्रीफ देख लेते हैं। SDG से पहले क्या कोई था, कोई गोल्स थे, इससे पहले थे मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स। इस पे एक सेपरेट वीडियो अगर आप चाहें तो मैं बना सकती हूँ। इससे पहले जो प्रोसेस था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अचानक से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए, तो इनका जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, वो है मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2000 से लेकर 2015 तक हमने फॉलो किए हैं, क्योंकि अब नया हमारा
डिफाइनमेंट आ चुका है जहाँ पे कि नॉन बाइंडिंग इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स हैं, 17 गोल्स हैं, इनका एम हमें अचीव करना है 2030 तक। इसका जो मेन टारगेट है वो है ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड, क्योंकि अगर आप अपने लेवल पे ट्रांसफॉर्म करेंगे आपका नेशन ट्रांसफॉर्म करेगा, आपका वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म करेगा। सो इट इज काइंड ऑफ अ जर्नी जो कि हमें अचीव करनी है। इसका जो मोटो है या जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है इसका, वो है एक अच्छी हेल्थ, अच्छा प्रोग्रेसिव फ्यूचर सभी के लिए प्लानेट में जो भी लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेवलप हुए हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, यूएन ने इसको लॉन्च तो किया, बट इसका ये और एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है, वो है कि ये जो डेवलप किए गए थे यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, ये 2014 में इनको डेवलप किया गया था और टारगेट दिया गया था कि 2030 तक इन्हें हमें अचीव करना है। अब एक एक गोल को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैंने सर्विस जो रिविजन नोट्स थे जीएस के वहां से लिया है। सो इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। तो सबसे पहला है नो पॉवर्टी। पहले आप मैं जो डिवाइड कर रही हूँ वो कर रही हूँ 6 6 के बेसिस पे, तो 6 पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे 6 और लास्ट में फिर 5 रहेंगे। तो पहला है पॉवर्टी नहीं होगी, कोई पुअर नहीं होगा तो हंगर नहीं होगा, हंगर नहीं होगा तो लोग फोकस कर पाएंगे अच्छी हेल्थ पे, हेल्थ अच्छी होगी फिर फोकस कर पाएंगे एजुकेशन पे, फाइनली एजुकेशन के बाद इक्वालिटी आएगी, लड़का लड़की बराबर होंगे, मेल फीमेल जेंडर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और उसके बाद हम आते हैं अगले पैरामीटर्स पे, फिर आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो कि है 6th पैरामीटर। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पॉवर्टी का पी, हंगर का एच, पी एच, देन यू हैव गुड हेल्थ, जी एच, क्यू ई, क्यू ई, देन वी हैव जी ई, दैट इज जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, तो एजुकेशन इक्वालिटी ई नाम से हमारे 2 गोल्स हैं, तो इनको अलाइनमेंट करते हुए चलते हैं। पी एच, एच हो सकता है पी से पॉवर्टी, 0 हंगर, देन हेल्थ, देन एजुकेशन, देन इक्वालिटी, देन इन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब इसको अगर आप चाहें तो ये डिटेल में देख सकते हैं, इसका स्टेटस इन्होंने शेयर किया था तो मुझे अच्छा लगा, ये काफी अच्छा पॉइंट है, मेंस के एग्जाम के पर्पज से आपको काफी कंटेंट मिल जाएगा लिखने के लिए, तो आप इसमें फोकस कर सकते हैं। जैसे कि पॉवर्टी में हम ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे बात करते हैं, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा स्टेटस क्या है, हमने क्या अचीव किया है, कहाँ तक हम पहुंचे हैं, हम डिक्रीज हुए हैं या हम इंक्रीज हुए हैं। इसके लिए स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं, मनरेगा है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, स्कीम है इंप्रूवमेंट के लिए फार्मर्स की, तो ऑब्वियसली हम टुवर्ड्स हम आगे बढ़ेंगे नो पॉवर्टी के टुवर्ड्स। ठीक है, 0 हंगर के लिए हमने क्या किया, हमने कहाँ से इसका डेटा देखा, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इंडिया की रैंकिंग बताता है, इसको हम इसके थ्रू हम जान पाते हैं कि हमारी हंगर का क्या स्टेटस है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टेप्स में हम एग्रीकल्चर नॉर्म्स ला रहे हैं, स्कीम्स ला रहे हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी को लेकर के हम काफी इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पे हम फोकस कर रहे हैं, तो कुछ काफी सारे हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं तो उन पे हम फोकस कर रहे हैं इस रिगार्ड में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हेल्थ एंड वेलबींग को। इसमें हमें कहाँ से पता चलता है, जो हमारे केसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम देख सकते हैं कि हेल्थ के जो भी स्टेटस हैं, हेल्थ के जो भी टारगेट्स हैं, हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे कुछ उस पर स्टैब्लिश नॉर्म्स है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष, इस तरीके से इनिशिएटिव हम दे सकते हैं। एजुकेशन की हम बात करें, हमारा एनरोलमेंट रेशियो क्या है प्राइमरी एजुकेशन का, फिर लिटरेसी रेट हमारी क्या है, इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो हमारा डेटाबेस रहता है। और हम कर क्या रहे हैं इसके लिए, मिड डे मील स्कीम है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ऑर्गेनिक सिर्फ जो हमारी ऑनगोइंग प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान है, इस तरीके से इनिशिएटिव्स भी इसमें चल रहे हैं। फिर आता है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी में अलग अलग जो इंडेक्सेस हैं, इसमें नेम नहीं दिया है इन्होंने, बट काफी सारे इंडेक्सेस हैं जो कि जेंडर इक्वालिटी के रिगार्डिंग डेटा हमें शेयर करते हैं, उससे हमें इनपुट इनपुट मिलता है कि हमारा क्या स्टेटस है। उसके बाद हम स्कीम्स कौन सी लाते हैं, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जननी सुरक्षा योजना, इस तरीके से हम वुमेन एम्पावरमेंट करते हुए, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करते हुए इन इनिशिएटिव्स को देते हैं। फिर आते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसके लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं, कैसे हमें आगे पानी, साफ से साफ पानी पहुंचाना है लोगों को तक, तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान, इस तरीके से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फिर आते हैं हम 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें है क्लीन एनर्जी। एनर्जी क्लीन होगी तो डिसेंट वर्क होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। 9 को मैंने, जो मेरा निमोनिक है वो है I3, I3 इज फॉर 9, 9 I3 क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद 10th भी I ही लिंक्ड है, रिड्यूस इन इक्वालिटीज। ठीक है, यहाँ पे
जेंडर इक्वालिटी है फिफ्थ में, 10th है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, तो थोड़ा सा अलाइनमेंट है। 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, फिर है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के लिए हमारे बहुत सारे मिशन है, नेशनल सोलर मिशन है, मेगा पावर प्रोजेक्ट्स हैं, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे स्किल डेवलपमेंट है, इनोवेशन, अटल इनोवेशन मिशन है, इंडस्ट्री इनोवेशन की अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो श्रम जयंती कार्यक्रम है, इस तरीके से काफी सारे प्रोग्राम्स हैं। रिड्यूस इनइक्वालिटीज की बात करें तो जैम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस प्रोग्राम, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज की हम बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन है, अमरुत है, काफी सारे और है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम नेशनल क्लीन एनर्जी फंड पे फोकस कर रहे हैं, इस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, नेशनल पॉलिसीज डेवलप हो रही है बायोफ्यूल्स पे, तो इस तरीके से हम कंजम्पशन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन को फोकस कर रहे हैं। आगे आते हैं हम 13, 14, 15, 16, 17। 13th है क्लाइमेट एक्शन, 14th है लाइफ बिलो वाटर। अब 14th और 15th लिंक्ड है लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड। तो लाइफ बिलो वाटर और लैंड दोनों अच्छी है, तो क्या होगा, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनली पार्टनरशिप फॉर द गुड। 17th तो सिमिलर है। अब क्लीन क्लाइमेट के लिए हम क्या कर रहे हैं, एम्फेसिस दे रहे हैं क्लीन एनर्जी पे, सोलर मिशन जैसे मिशन पे। लाइफ बिलो वाटर की बात करें तो सागरमाला नेशनल प्लान है, इकोसिस्टम के लिए ब्लू रेवोल्यूशन पे हम फोकस कर रहे हैं। इवन श्रिम्प कल्टीवेशन, अलग अलग कल्टीवेशन की जो इनिशिएटिव्स हैं जिन पे फोकस किया जा रहा है। लाइफ ऑन लैंड की बात करें तो यूएनसीसीडी वेरी इंपॉर्टेंट वन। पीस जस्टिस की बात करें तो प्रगति प्लेटफॉर्म्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, ग्रेवेंस रिड्रेसल के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं। पार्टनरशिप फॉर गोल्ड के लिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री के साथ पार्टनर कर रहे हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप पे हम फोकस कर रहे हैं। इसमें जैसे कि हमारी रिप्रेजेंटेशन है एससीओ में, शांघाई कॉर्पोरेशन, ठीक है, ब्रिक्स है, उसके बाद सार्क है, उसके बाद यूएन एजेंसीज हैं, काफी सारे इनिशिएटिव हैं, इस तरीके से हम ग्लोबली ले रहे हैं ताकि हम पार्टनरशिप करके अपने जो गोल्स हैं उनको फास्ट कर पाए, अचीव कर पाए इजीली, ठीक है। अब अगर हम कुछ स्टेटस की बात करें, कुछ डेटा की बात करें, डेटा पॉइंट्स की, तो हर ये मैंने न्यूज़पेपर से लिया है, सो ये हेल्पफुल हो सकता है कि टॉप स्कोरर कौन है, पॉवर्टी में टॉप स्कोरर कौन सा है। आप अपना स्टेट देख सकते हैं और उसको अगर आप चाहें तो अपने स्टेट एग्जाम में हाईलाइट कर सकते हैं कि आपका स्टेट इस स्टेटस पे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें कि हिमाचल में जेंडर इक्वालिटी और एजुकेशन पे टॉप स्कोरर है, जेंडर इक्वालिटी पे भी और एजुकेशन पे भी। केरला गुड हेल्थ में, जीरो हंगर पे गोवा, तेलंगाना रिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ में, इंडस्ट्री इनोवेशन पे गुजरात है, रिड्यूस इनइक्वालिटी पे तेलंगाना है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिकेशन में कम्युनिटीज पे गोवा है, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पे नागालैंड है, नॉर्थ ईस्ट का भी एक स्टेट यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक और है मणिपुर, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ एंड लैंड, ठीक है। मरीन इकोसिस्टम जो 14th लाइफ बिलो वाटर, इसमें कोस्टल स्टेट्स ओनली है, नॉट काउंटेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओवरऑल अगर हम बात करें तो, ठीक है। पीस जस्टिस की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका इज इन क्लाइमेट एक्शन। तो इस तरीके से आपको टॉप स्कोरर्स अगर आपका स्टेट है तो आप उसे अपना कहीं ना कहीं हाईलाइट पॉइंट बना सकते हैं। तो इसी तरीके से ये डेटा सेम रेप्लिकेटेड डेटा है, सो नॉट टू नेम इट मच, बट ये आप स्टेटस, इसमें ये 2020 का इंडेक्स स्कोर है और ये आगे का जो फाइनल कंक्लूडेड स्कोर था वो ये, ठीक है। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज गाइज, थैंक यू।